पालक प्याज के पकोड़े जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और इनको बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की ज़रूरत होती है जो हर वक्त हमारे घर में ही मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। यहाँ हमने लिया है बेसन, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली, इसी में हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ जिंजर एंड गार्लिक। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। अब हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन। अब हम इसमें डाल देंगे हींग। अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जिसको हमने इस तरीके से लंबा स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक, इसको भी हमने अच्छे से वॉश करके इस तरीके से चॉप कर लिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें पानी बाद में ऐड कर लेंगे, अभी हम इसी को मिक्स करेंगे क्योंकि पालक के अंदर बहुत पानी होता है, तो हमारा बेसन उसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बाद में हम उसमें थोड़ा करके पानी डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, और हम अपना मिक्सचर जो है तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये हमारा पकोड़े के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है। हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा ये थोड़ा सा बस बाइंड हो जाए। ये देखिए, हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम अपने पकोड़े जो है फ्राई कर लेंगे। मिक्सचर में से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लेंगे और इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये हमें मीडियम हाइट पर ही फ्राई करने हैं। यहाँ हमारे पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अपने बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पालक प्याज के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी होते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।